नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। आज मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता के दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पर खूब तीर निशाने साधे। मेहता ने आरोप लगाया कि मीरा भाईंदर में जो महाराणा प्रताप भवन जो बनने जा रहा है वह नाकाफी है। साथ ही क्लस्टर को भी लेकर उन्होंने बात की और कहा कि मनपा प्रशासन जनता को लॉलीपॉप थमा रहा है। आइए अपन देखते हैं नरेंद्र मेहता ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से महाराणा प्रताप भवन बनाया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं उन तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पहल की, परंतु ये भवन उनका अपमान होने जा रहा है ऐसा हमारा मानना है। उसका कारण ये कि जहाँ पे बनाया जा रहा है वो 250 मीटर की जगह है, उसमें नियम के हिसाब से 1250 मतलब 250 मीटर 2500 फुट, उसमें 1250 फुट ये ओपन रखनी पड़ती है। 1250 फुट में चारों बाजू जगह छोड़ने के बाद मात्र 60 मीटर यानी कि 600 फुट का बन रहा है, उसमें उनका 200 फुट बाथरूम में जा रहा है। 400 फुट का भवन महाराणा प्रताप जी का बनाया जा रहा है, जो एक 1 BHK एरिया से भी कम है। दूसरी ओर हम शहर के अंदर एक कलाधारण बना रहे हैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी। अब इनकी ऊंचाई जो है बाला साहब ठाकरे जी की, वो छत्रपति शिवाजी और अन्य महापुरुषों के बराबर की है, और 400 फुट का भवन ये कैसे हो सकता है जिसमें 10 आदमी बैठ नहीं सकते, उसके भवन क्यों कहा गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अगर अधिकारी के दालत देखे तो महाराणा प्रताप जी से भवन से ज्यादा बड़े, तो ये उनका अपमान होने जा रहा है। दूसरा, 60 मीटर का DSR रेट का क्या है, तो 3000 रुपए का एक 18 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख का काम है, और उसका टेंडर मुझे जो भाषण में बताया कि 1,25,00,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो 60 मीटर का फ्लैट भी हम लेने जाए तो 60 लाख में मिलता है ये तो, और उसमें तो जमीन भी है, इसमें तो खाली जमीन नगर पड़ेगा कि फिर एक 20 इसके अंदर भी घोटाला है, ऐसा हमारा आरोप है। दूसरी बाजू मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों से विविध समाजों को बुला के लोगों को भवन बांटे जा रहे, गुजराती भवन, मराठा भवन, वारकरी भवन, बिहारी भवन, उत्तर भारतीय भवन, हिंदी भाषण भवन, एग्जाम इस तरह के भवन, बंगाली भवन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर BMC एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी विशेष समाज को ये जगह दी जा सकती है। भवन बन सकता है लेकिन वो सभी के लिए उपस्थित, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या देश का व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का, उस भवन में वो जा सकता है, उसको रोका नहीं, क्योंकि वो पैसा महानगर पालिका टैक्स का है। लेकिन समाज को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे हम तुम्हारे समाज के लिए बना रहे हैं और तुमको ही देने वाले। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अगर चलाना भी देना चाहे तब भी उसको रेडी रेकनर के रेट से कम से दे नहीं सकती है, तो ये समाज के साथ क्या कहते हैं हम, गुमराह किया जा रहा है समाज को, और उनको क्यों फंसाया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे वोटों की राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन प्रशासन उसी मंच पे बैठ के ये सब तमाशा देख रहा है, प्रशासन उसका गवाह कैसे बन सकता है, क्योंकि कायदे में ऐसी प्रोविजन नहीं। उदाहरण रहे और कमिश्नर साहब से निवेदन करने आया कि ये आप जनता के सामने खुलासा करें कि ये जो चल रहा है मार्केट में सब बकवास है, ऐसा हकीकत में कुछ होने वाला नहीं है, और होने वाला है तो कमिश्नर साहब हमको कायदा दिखाए और जो ठहराव किया वो ठहराव की कॉपी दे, ताकि हम आगे की बात करें। तीसरा, मीरा भाईंदर में क्लस्टर योजना लाई जा रही है। क्लस्टर योजना आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा घातक है, इससे बड़ा ब्लैक डे हो नहीं सकता है। मैं अगर कहूँ तो मीरा भाईंदर के लिए इससे बड़ा काला दिवस हो नहीं सकता है, इसलिए नहीं कि कोई किसी का मेरा स्वार्थ है, ये केवल और केवल क्लस्टर बिल्डर के दबाव के लिए लाया जा रहा है, बिल्डर को फायदा है। ये क्लस्टर कैसा है कि कोई भी एक एरिया, चाहे नया नगर ले लो, चाहे 60 फीट ले लो, चाहे स्लम का, इन सबको एक साथ मिलके क्लस्टर के अंदर प्लान पास करना होगा। मान लो 200 बिल्डिंग का क्लस्टर बनाया, उसमें से अगर दो आदमी आके बोलेंगे मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी, तो बोलेगा तू नहीं बना सकता है, तुमको 200 आदमी साथ में आना होगा। जिस आजकल घर में चार भाई एक साथ नहीं रहते, या 200 बिल्डिंग के रहवासी 2000 लोग कभी एक साथ आएंगे क्या? एक बिल्डिंग को भी जमा करना होता है तो उसकी मीटिंग लो, लोगों को बनाओ, कोई और ऐसा 200 बिल्डिंग कभी नहीं हो सकती है। हम आज तक रोड के ऊपर के झोपड़े खाली नहीं करा सकते हैं प्रशासन, और 200 बिल्डिंग को खाली कराएगी क्या? तो आने वाले समय में ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसानदायक होने वाला है। ये विस्तार से एक दिन हम क्लस्टर के ऊपर आखिर सभा लेने वाले हैं, लेकिन आज हम आयुक्त साहब को निवेदन दे रहे हैं, क्योंकि 8 करोड़ रुपए पहले खर्च किए, 8 करोड़ रुपए वापस अब खर्च करें। 8 करोड़ पहले किस लिए खर्च किए कि कहां से कहां तक कौन से एरिया में क्लस्टर होगा, उसके लिए लाइन मार रहे 8 करोड़,
अब किस लिए? तो जहाँ जगह पे क्लस्टर निकले गया उसके घर का मेजरमेंट लेने के लिए। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आया, हमने ही टेंडर निकाला था, क्योंकि सभी घरों में जाओ एक एक घर में कि किसने किसने कितना कितना फ्लैट का एरिया और टैली करो टैक्स कम है कि ज्यादा है, तो सबका हमने सर्वे किया हुआ है। वापस से सर्वे करके 10 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये रेडीमेड डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल लेके खा जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी डेटा है और उसको ही वापस करेंगे, उसी से लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल सबमिट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। हमारा क्लस्टर का विरोध तो ही, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं कि काले दिन लिखा जाएगा इतिहास में। ये क्लस्टर आने के बाद, क्लस्टर होना चाहिए, मैं फिर ये कहता हूँ, क्लस्टर होना चाहिए, लेकिन सब जगह पे नहीं हो सकता है। सब शहर की चीजें अलग है। उदाहरण कहता हूँ, थाना में क्लस्टर 7-8 साल से चल रहा है, वहां पे तो मुख्यमंत्री जी खुद है, आज वो 4 साल सरकार में हुए तब भी क्लस्टर आज तक उधर शुरू नहीं हुआ। तो क्या हमारे